जय माता दी। दर्शकों, आपका पुनः हमारे वैद्य ज्योति संस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कि दिवाली महालक्ष्मी पूजा कैसे करें और कब करें और इसका विशेष प्रावधान या विशेष नियम क्या होता है। दर्शकों, दिवाली महालक्ष्मी पूजा जो होता है, इसका विशेष प्रभाव यह होता है कि जो 27 अक्टूबर 2019 दिन रविवार को पड़ रही है दिवाली महालक्ष्मी पूजन, इस दिन आपको क्या करना है कि लाल कपड़ा पहनकर लक्ष्मी की पूजा करनी है। क्योंकि सूर्य जो होते हैं वो लाल होते हैं, लक्ष्मी का जो कलर होता है वो लाल होता है, और सूर्य तो हालांकि गुलाबी भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको लाल कपड़ा पहन के पूजा करने से पूरा सफलता मिलती है। जैसे कि हम लक्ष्मी पूजा करें उसके करने से, रात्रि में करें जो पूजा होती है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, जो सफल व्यापारी हैं वो करते हैं, जो घर की दैनिक पूजा घरेलू पूजा होती है वो शाम को होती है, लेकिन जो महालक्ष्मी पूजा करेंगे वो हम 10:30 बजे रात के बाद करेंगे, जिसके करने से हमको बहुत ही अच्छी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मैं जानना चाहूँगा, आप विस्तार से जानें, मैं बताऊँगा आपको, आप इसको करेंगे तो श्योर है कि जो आपकी धन की दिक्कत है, दरिद्रता है या जो भी परेशानी है, सब दूर हो जाएंगी, आपको धन की अच्छी प्राप्ति होगी। इसमें करना क्या है कि 10:30 बजे रात को आप जो है घी का दीपक जलाएं, लाल आसन और लाल कपड़े पहनकर और श्री सूत का पाठ करें। कौन सा श्री सूत? संपूर्णित वाला रुद्रमल युक्त श्री सूत का पाठ करेंगे, जो कि इससे बड़ा कोई अस्त्र शस्त्र उपाय लक्ष्मी प्राप्ति के लिए नहीं होता है। और हवन भी जो करेंगे वो इसी तरह करेंगे, और लाल कपड़े पहन के आपको श्री सूत का पाठ करना है। उसके पाठ करने की जो विधि होती है वो ये होती है कि संपुट है, संपुट का मतलब होगा डबल पावर। जो आप कामना से धन की प्राप्ति के लिए करेंगे, लाल आसन में बैठकर पूरा मुखी होकर, उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। लास्ट में आप हवन कर सकते हैं, 11 पाठ करें या 21, जो भी आपकी श्रद्धा है कर सकते हैं। और 2 कमल के फूल लेंगे, जो कि वो मार्केट से बंद हुए आते हैं, उनको खोलेंगे आप और दोनों को मंदिर में राशि रख देंगे और हरदी का टीका कर देंगे, और जो फूल खिल जाएगा दोनों, एक अंदर गड्ढा होगा उसके, उसमें रखना है एक में सुपारी और एक दूसरे में गड्ढे में रखना आपको चांदी का सिक्का, पुराना हो या नया हो, चांदी का हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। राइट तरफ जो रहेगा वो रहेगा आपका सुपारी रहेगी राइट तरफ, जो आपके हाथ में बैठेंगे पूजा में सामने, राइट तरफ रहेगी सुपारी, उस गड्ढे में कमल के फूल के अंदर डालना है आपको। और जो लेफ्ट तरफ रहेगा कमल के फूल के अंदर, वो रहेगा चांदी का सिक्का। ऐसे में आपको हल्दी का टीका करना है, और उस दिन से दिवाली से लेकर 40 दिन तक आपको थोड़ा सा घी का दीपक जलाना है एक टाइम सुबह नहाने के बाद। इससे क्या होगा कि आपको अचल संपत्ति, सफल व्यापारी और कहीं ना कहीं लक्ष्मी की जो आपको कमी रहती सदा जीवन में, गुल्लक में, खजाने में, व्यापार में, बैंक में, कर्जा, वो सारा चीज़ में आपको बेनिफिट करेगा। तो 40 दिन बाद उसको दोनों को लेकर आपको एक कपड़े में बंद करना है और लाल कपड़ा लपेट लेना है, कलावा बांध देना है, एक पोटली बन जाएगी, उसको आपको अपने गुल्लक में, खजाने में रखना है। और सारा जो पैसा आपका मतलब चेक द्वारा है या कैश आता है, उसमें आपको जो है कहीं ना कहीं टच करना है। उससे क्या होगा, आपके धन की पराकाष्ठा सदा बनी रहेगी, जिससे आपको अच्छा लाभ होगा और कभी जीवन में आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, आपको आगे लक्ष्मी की प्राप्ति सदा आपके घर में बनी रहेगी। अब पाठ की बात करते हैं, तो लक्ष्मी पूजा करेंगे आप रात में, वो संपुटित पाठ होगा, रुद्र मलयुक्त श्री सूत का पाठ हो सकता है, आप खुद करें या ब्राह्मणों से करवाएं, ये हमारी संस्थान संपर्क कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे कैसे करना है, ये करना है। और उसके बाद जो है आपको कहीं ना कहीं रुद्र उसका पाठ करने के बाद हवन करना है। हवन में जो है ना आपकी 8 सामग्री होगी, जैसे कि पंचमेवा है, सफ़ेद तिल है, और जौ है, चावल है, बूरा है, और बेलगिरी है, और कहीं ना कहीं जो है आप एक प्रकार से जान सकते कमल गट्टा भी डाल सकते हैं। इन सामग्री को मिलाकर आपको हवन करना है, जिसके करने से आपको अच्छी सफलता मिलेगी। जो हवन होगा वो बेल की लकड़ी का होगा, आम की लकड़ी का नहीं होगा। दर्शकों, जो बेल की लकड़ी होती है, इसके बेल पर चढ़ता है भगवान शिव को, उसकी लकड़ी का हवन होगा, वो भी रात में ही हवन होगा और रात में ही पाठ होगा, और रात में ही 2 कमल के फूल जो लक्ष्मी के आसन के होते हैं वो आपको रखने हैं मंदिर में। उनमें जो मैंने बताया सामग्री अंडा डालनी है, एक में सिक्का, एक में छोटी सुपारी पूजा की। उसके बाद देखें आप अपने व्यापार में कितनी आपको सफलता मिलती है, और घी का दीपक जलाकर आप पाठ करें, लक्ष्मी जी को पाठ सुनाएं और संकल्प करें अपना जीवन में कि हे महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, महादुर्गा देवी, आप हमारे अचल संपत्ति
और धन की प्राप्ति हो हमें, हम जीवन में कभी मतलब पीछे ना रहें, आगे बढ़ें और कभी हमारे घर में दरिद्रता ना आए, हम सदा सुखी रहें, इस कामना से संकल्प करेंगे वो आपका निश्चय होगी। और जो हम पाठ करते हैं वो संपुटित पाठ करेंगे, उसका प्रभाव बहुत ही बलशाली होता है। और हवन की बात करें तो हवन कहीं ना कहीं हम जो है ना बेल की लकड़ी का हवन करेंगे, जिससे करने से लक्ष्मी की बहुत जल्दी आपको प्राप्ति होती है, वो आपको करना है। आगे फूल की बात मैंने बता दी आपको, लाल कपड़े पहन के आपको पूजा करनी है। और लक्ष्मी पूजा के दिन जो है जितना हो सके मतलब 8 कौड़ी, 8 कमलगट्टे और 8 इलायची और 8 जो है लौंग, इन तीनों चारों को मतलब एक कॉमन तरीके से मतलब मिश्रित करें और उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा इत्र डाल दें। ये डालकर एक लाल कपड़े में बांध कर इनमें जो है हवन का करते समय आप उसको रखें और हवन के ऊपर जो आहुति डालते हैं, जो अग्नि प्रज्वलित होती है, उसके बाद उसके ऊपर से 7 बार घुमाएं और अपने गुल्लक में रख दें। इससे भी आपको अच्छी सफलता व्यापार में और एक कामयाबी आपको मिलेगी। देखिए लक्ष्मी जी का जो जप होता है वो भी आप कर सकते हैं तो भी चलेगा। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो मैंने पाठ बताया है वो आपको करना ही करना है। लक्ष्मी जी की लाश में आप आरती गा सकते हैं और जीवन में अपने काम को, व्यापार को, अपने मतलब लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी पूजा जो होता है बहुत विस्तार से होती है और आप उसको करें, जितना भी करें उतना आपको फल मिलेगा। जो मैंने उपाय बताया है, विधान बताया है, इसी तरीके से आपको करना है। नहा धोकर लाल ड्रेस पहननी है, लाल कपड़े, लाल आसन होगा, पूरा मुखी बैठकर भगवान के चरणों में, और अपना यथागत आपको जो है ना 2 कमल के फूल लाकर उनको सारा खोलकर सामग्री उसमें जो मैंने बताया उसको रखकर उसमें करना है। इसके करने से आपको सफलता अच्छी मिलेगी और जीवन आपका जो है ना धन्य होगा। और आपके कारण के साथ साथ जो भी आपके व्यापारी वर्ग हैं, ग्रस्त जीवन में हैं, या जो आप नौकरी करते हैं, उनको भी आपको सफलता अच्छी मिलेगी, क्योंकि हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, लक्ष्मी प्राप्ति हो, कर्जा मुक्त हो, हम अपना घर बनाएं, अपना मकान बनाएं, या जो भी हमारी गाड़ी घोड़ा लेने का सब प्रश्न संकल्प है वो आपका सिद्ध होगा, ऐसा यदि आप करते हैं तो। दर्शकों और विस्तार जानकारी के लिए हमारे संस्था से संपर्क कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, समय का अभाव होता है, आप जान सकते हैं। जय माता दी। भूमि भवन वाहन धन संपत्ति शादी व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उनका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद राम अवतार मिश्रा जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9650925716, 01204108727। ईमेल आईडी है वैदिक ज्योतिष परामर्श 2004@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.astrovedic.com।